चलो देखो ध्यान से सुन लीजिएगा। तो कल जहां से हमने देखे हुए थे उसके आगे बढ़ेंगे, सुनिएगा, बातें नहीं करो बस। देखो फिर से एक मिनट भैया, कल आपको जो बताया गया था स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, देन इसके बाद आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या क्या है ना, और देन हम बात किए थे 7 टाइप्स के वेक्टर के बारे में, और लास्ट में हमें आपको बताना है कि किस तरीके से हम सॉल्व कर। सुनिए, अरे तीनों सही से बैठो। देखो चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, इधर देख लो ध्यान से ये सबसे पहला कंडीशन, फिर से एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ जो कल हमने किए थे उसी, ठीक है। आपको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर तो हमने कल बताया है ना, और मैंने आपको बताया था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर, मतलब दो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। एग्जैक्टली अगर बात करेंगे कि हमें जो एग्जैक्टली यहाँ पर पढ़ना क्या है भैया, ध्यान से समझना, हमें जो पढ़ना है वो वेक्टर के रूल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? वेक्टर के रूल। और कितने रूल है? 2 रूल है। कौन कौन से रूल है? मैंने आपको बताया था एक सबसे पहला रूल है भैया ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल लॉ, और दूसरा कौन सा लॉ है भैया? पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ और कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम। तो भैया कल की तरह आज फिर से हम इसको समझते हैं कि भैया एक ट्रायंगल लॉ क्या होता है और पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, और उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे और किस तरीके से फाइंड आउट करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे भैया ट्रायंगल लॉ ऑफ टू वेक्टर एडिशन ऑफ कितने का, सॉरी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, 2 वेक्टर का हम ट्रायंगल लॉ के द्वारा कैसे एडिशन करते हैं। तो देखो मैंने आपको इसमें यहां पर समझाया हुआ था, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसमें यहां पर एक डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ था, और उसी चीज को समझते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम जो लिखा हुआ है उस चीज को समझते हैं। देखो ध्यान से, ये जो डायग्राम है, मान के चलो ये वेक्टर आपका कितना है, वेक्टर ए, और ये क्या है भैया? वेक्टर बी है। तो ये किस चीज को बताता है? तो रिजल्टेंट को बताता है। रिजल्टेंट क्या होगा? तो वेक्टर ए प्लस में कितना होगा? वेक्टर बी है। क्या होगा भैया? वेक्टर ए प्लस में कितना होगा? वेक्टर बी होगा। मतलब क्या है, मैंने आपको कल बताया था, मान लो कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर है, सुनिएगा ध्यान से, अगर ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है भैया, ये हमारे पास वेक्टर बी है। अब इन दोनों वेक्टर को हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो जब किसी एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जुड़ा हो, कैसे बताया था कल, जब किसी वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के कैसे जुड़ा हो? टेल के साथ जुड़ा हो। तो देखिए अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो वेक्टर ए जो है उसका हेड जो है वेक्टर बी के कैसे जुड़ा हुआ है भैया? टेल से जुड़ा हुआ है। सही है, वेक्टर ए जो है, ये मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये कितना है? वेक्टर बी है। मतलब ये हेड है वेक्टर ए का जो वेक्टर बी के किससे जुड़ा हुआ है? टेल से, है ना। तो कौन सा लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा? ट्रायंगल लॉ। कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ। और ट्रायंगल के लिए आपको पता है कितने साइड की जरूरत होती है? 3 साइड। तो जहां पर कितने साइड गिवन है अपने पास? 2 साइड। कौन कौन सा? तो एक वेक्टर ए है और दूसरा है ना, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कौन बताएगा भैया? तो इसके तीसरा साइड आपको किस चीज को बताएगा? रिजल्टेंट को बताएगा। तो ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे कलर दूसरा यूज कर लेता हूं। तो इसमें जो इसका देखिए, ये जो डायरेक्शन होगा, सॉरी, ये जो साइड जो होगा आपका, ये साइड जो होगा ये किसको बताएगा भैया? रिजल्टेंट को बताएगा। और ये क्या होगा? वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, मतलब इन दोनों वेक्टर का क्या होगा? एडिशन। इन दोनों वेक्टर का क्या होगा? एडिशन। कल मैंने समझाया था। तो ये है आपका कौन सा लॉ भैया? ट्रायंगल। क्लियर यहां तक में? तो आप इसमें ऐसा ड्रॉ कर सकते, फिर से समझ लो जिसको नहीं समझ में आया था, कल मैंने आपको बताया था भैया। देखो ध्यान से, क्या होता है कि 2 नॉन जीरो वेक्टर जो है, अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द 2 साइड्स ऑफ किससे? ट्रायंगल, है ना।
अगर नॉन जीरो रो मतलब वेक्टर है जो भैया रिप्रेजेंट करवा रहे हैं किससे भैया, तो ट्रायंगल्स के किसी दो साइड्स को, है ना, किसके ट्रायंगल्स के किसी दो साइड्स को टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट मतलब जो रिजल्टेंट आएगा बाय द क्लोजिंग साइड, मतलब उसको क्या करेगा, जो साइड क्या करेगा भैया, क्लोज करेगा। जैसे यहां पर देखिए ध्यान से, जैसे ये साइड क्या कर रहा था, इसको क्लोज कर रहा है, ये जो साइड है ये साइड इसको क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है ना, ये एक साइड तो ए बी ए है, दूसरा साइड क्या बी है, तो ये जो साइड है इसको क्या कर रहा है, क्लोज साइड कर रहा है। तो इसी क्लोजिंग साइड का किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं भैया, रिजल्टेंट से। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और रिजल्टेंट क्या बताएगा, तो वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी को, ठीक है, वेक्टर ए प्लस में किसको बताएगा, वेक्टर बी, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर बोल रही है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए ध्यान से सुन लो, इस चीज को हटा देते हैं, आपको डायग्राम ड्रॉ किया गया है, आप ड्रॉ कर सकते हैं, मैं साइड में ही इसको एक और बार समझाता हूँ भैया। मान लेते हैं ये वेक्टर ए है कोई, है ना, और कोई दूसरा वेक्टर बी है ना। अब इन दोनों को आप खुद देख लो, जब वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका जो तीसरा साइड है वो क्या बताएगा, रिजल्टेंट को बताएगा, किसको बताएगा भैया, रिजल्टेंट को बताओ, रिजल्टेंट कितना है, ए प्लस। अभी फिलहाल आप रिजल्टेंट दो वेक्टर कह रहे, हाँ इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा वो आगे वाले कंडीशन में पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप याद रखेंगे कि दो वेक्टर के एडिशन पहला ट्रायंगल लॉ से कैसे, क्लियर है यहाँ तक में, तो आप डायग्राम के समय में ये दोनों ड्रॉ करो। अब देखो भैया हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दूसरा लॉ है जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, टू वेक्टर एडिशन। तो सुनिएगा ध्यान से, मैंने कल आपको बताया था कि अगर मान लो भैया वेक्टर ए है ना, ये आपका क्या वेक्टर ए और दूसरा क्या है भैया वेक्टर बी, अगर इन दोनों का देखिए पहले वेक्टर का टेल या दूसरे वेक्टर का टेल, ये दोनों कनेक्शन होगा, पहले वेक्टर का टेल जो होगा किसी दूसरे वेक्टर के टेल के साथ अगर कनेक्शन होगा, या भैया पहले वेक्टर का हेड जो होगा किसी दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट, है ना, अगर टेल दो वेक्टर का टेल टेल जुड़ा हो या हेड हेड जुड़ा, समझिएगा दो वेक्टर का क्या क्या, टेल टेल जुड़ा हो या हेड हेड जुड़ा हो, तो दोनों कंडीशन समझाते हैं, यानी तो आप इतना समझ जाइए कि अगर किसी दो वेक्टर का टेल टेल जुड़ा हो तो उस कंडीशन में क्या अप्लाई करें, बोलिए कुछ पूछना है, हेड टेल तो जोड़ तो दिए थे यहाँ पर, अगर पहले वेक्टर का हेड जो है दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जुड़ेगा तो ट्रायंगल लॉ होता है, ये तो बताया ना अभी मैंने कि ट्रायंगल लॉ में ही बताया था ना कि जो पहला वेक्टर है उसका हेड जो है दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जुड़ा है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में कि पहला वेक्टर जो मान लेते हैं ये ए दिया हुआ है ना, ये पहला वेक्टर कितना है, वेक्टर ए है, और ये दूसरा वेक्टर क्या है भैया, वेक्टर बी है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, ये दोनों का क्या जुड़ा भैया, टेल टेल जुड़ा है ना। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, सुनिएगा, हमें पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से बात करना है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होगा इस कंडीशन से बात करना है। देखो ध्यान से क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, इस सेम जितना बी का मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से, सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से मैं एक वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये भी कौन सा वेक्टर होगा भैया, बी वेक्टर, है ना, और ये भी क्या होगा, ए वेक्टर को भी यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, है ना। आप खुद देखो इस क्या ये एक टाइप का पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है, क्या ये पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है ना भैया, आप वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो उसमें वेक्टर का कोई भी चीज चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में मान ले कि मान लो भैया वेक्टर अभी यहाँ पर है, जो मान लेते हैं 10 है, या ऐसा ले लो कोई वेक्टर ए है, है ना, जो अभी इस डायरेक्शन में, हमको इस वेक्टर को उठा के यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है, ठीक है, लेकिन हमने ना तो इसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए और ना ही उसके डायरेक्शन को चेंज किए, सिर्फ क्या किए, इस वेक्टर को उठा लिए और यहाँ पर रख दिए। तो भैया इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वेक्टर ही चेंज हुआ है, आप वेक्टर को किसी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, उठा के कहीं दूसरे जगह रख सकते हैं। तो वैसे ही मैंने इस वेक्टर को शिफ्ट किया था, कहां पर, इस वेक्टर बी के पास,
कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी क्या सेम है, इसका मतलब ये वेक्टर इस वेक्टर के क्या होगा, बराबर होगा। और भैया आपने वैसे भी पढ़ते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल होता है और ये दोनों साइड भी आपस में क्या होता है, पैरेलल होता ही होता है। अरे समानांतर चतुर्भुज में पढ़े हैं ना, यही तो कंडीशन हम बता रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर फिर से समझाता हूँ, सुन लो, फिर से समझाते भैया, सुनिएगा, फिर से समझिए। देखो, जब दो वेक्टर हैं तो मान ले ये वेक्टर ए, सुनिएगा, और ये वेक्टर क्या है भैया, बी है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच कोई ना कोई एंगल होगा थीटा, ये मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये क्या है भैया, वेक्टर बी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सुन लो, इधर सुन लो, सुनिएगा, इधर देखो भैया, अगर इसको मैं सेम एंगल्स के द्वारा अगर यहाँ पे ला रहा हूँ तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा वेक्टर बी ही कहलाएगा, और ए को भी मैं सेम एंगल के द्वारा यहाँ पे ला रहा हूँ तो ये भी क्या कहलाएगा, ए ही कहलाएगा। देखो क्या ये शेप किसकी तरफ दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज दिख रहा है ना भैया, मतलब पैरेललोग्राम दिख रहा है ना। तो अगर पैरेललोग्राम है तो इनका जो रिजल्टेंट जो होगा क्या बताएगा भैया, रिजल्टेंट, देखो रिजल्टेंट जो है हमें इस वेक्टर का क्या बताएगा, डायगोनल। डायगोनल जो होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में, विकर्ण, क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो भैया इसका जो रिजल्टेंट जो होगा, इन दोनों वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट, ये हमें क्या बताएगा, विकर्ण बताएगा, जो r बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस में b होगा, मतलब वेक्टर a प्लस में कितना होगा भैया, वेक्टर। तो ये है आपका पैरेललोग्राम लॉ जो यहाँ पर दिख रहा है आपको। मैंने ये वेक्टर a दिया था, सुनिए, यहाँ पर क्या दिया, ये वेक्टर a है ना, ये वेक्टर कितना है भैया, b है। तो रिजल्टेंट ये जो होगा वो वेक्टर a प्लस में कितना होगा, वेक्टर b होगा, और ये भी आपका वेक्टर b होगा, और ये भी वेक्टर क्या होगा, a ही होगा, और ये कुछ एंगल किस पे भैया, थीटा। क्लियर है यहाँ तक में, बोलो भैया क्लियर है, कोई दिक्कत, जल्दी फटाफट आप लिखिए। तो आप सबसे पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर लिख लेंगे ये, और यहाँ पर ये गलत है, इसको आप लिखेंगे r बराबर में वेक्टर a प्लस में वेक्टर b। अब क्या लिखेंगे इसको, r बराबर में वेक्टर a प्लस में वेक्टर b, जल्दी करो। माइनस कितना हो जाएगा, b होगा ना, ये पढ़े ना भाई निगेटिव में। अगर ये वेक्टर b है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन पे क्या होता है, b वेक्टर होता है। हमने आपको पढ़ाए भाई, हमको याद है, देखिए मैंने आपको पढ़ाया हूं, ये है अपोजिट वेक्टर, देखिए ना, ये अपोजिट वेक्टर। अगर ये वेक्टर a है, सुन लो, अगर ये वेक्टर कितना a है तो ये कितना कहलाएगा, माइनस ऑफ a कहलाएगा, क्या कहलाएगा, माइनस ऑफ a कहलाएगा, हमने पढ़ा है ना। तो अगर उसी तरीके से अगर यहाँ पर वेक्टर a है, ये b है, तो ये कितना हो गया। अब देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, ये भैया ये किसको बताता है, वेक्टर a प्लस बी का। तो भैया यहाँ पर भी तो यही बताना चाहिए, यहाँ पर भी तो यही बताना चाहिए, लेकिन देखो सुन लो, ये क्या चीज को बताएगा, ये रिजल्टेंट बताएगा r बराबर में वेक्टर a प्लस में माइनस ऑफ वेक्टर b, है ना। इसका मतलब वेक्टर r, r जो होगा वेक्टर a माइनस में कितना होगा वेक्टर। तो इस तरीके से हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं, समझे, है ना। और सबट्रैक्ट के लिए कुछ ऐसे इसीलिए नहीं बताते क्योंकि जस्ट अपोजिट करना है, दिया रहेगा तो आप उसको सबट्रैक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझे, अरे समझे नहीं समझे, ठीक है, ये हो गया होगा। अब ध्यान से सुनिए, पहले हम ये टॉपिक पढ़ने से पहले ये भैया आपको मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वैक्टर के बारे में पढ़ना है, सुनना है ना, किसी भी रिजल्टेंट वैक्टर का कितना मैग्नीट्यूड होगा उसके बारे में हम पढ़ना है। तो पहले ध्यान से सुनना और फिर बातें करते हैं भैया, ध्यान से सुन लो। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ कंडीशन के बारे में बात करेंगे और उसके लिए मैं एक नया पेज ले लूँ। देखो हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर क्या होता है, देखिए ध्यान से सुन लीजिए, एक छोटा सा हेडिंग है भैया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है भैया आप वेक्टर को क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं, क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं। मैं आपको एक नॉर्मल सा कंडीशन एक एग्जांपल ग्रुप में बताता हूँ। मान लो भैया देखो भाई सुन लीजिए,
इधर देखो इधर भैया, अगर मैं अगर इस पेन है इस कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको चल, है ना, और देखो मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, तो ये यहाँ तक आ गया, है ना। अगर ये यहाँ तक आ गया इसका मतलब क्या है, देखो तो क्या इन्होंने यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे। भाई अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कुछ एंगल के ऊपर एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करवाओगे तो वो दोनों एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या करता है, डिस्टेंस ट्रैवल करता है, या दोनों एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होता है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है या वेलोसिटी होता है ना, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग भी और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे अगर सपोज मान लीजिए, देखिए ध्यान से भैया, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर कोई एक एक्स एक्सिस है और ये क्या है कोई वाई एक्सिस है, सुन लीजिए, और कोई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कितने एंगल पे भैया, तो थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, थीटा एंगल पे। देखो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं है क्या, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना। तो देखिए इस फोर्स को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, इस फोर्स को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्यूशन का मतलब होता है भैया कुछ फोर्स, जो फोर्स है उसका कुछ पार्ट क्या होगा एक्स एक्सिस पे होगा, और इसी का कुछ पार्ट किस पे होगा वाई एक्सिस, इसका कुछ पार्ट किस पे होगा एक्स एक्सिस पे, और इसका कुछ पार्ट किस पे होगा वाई एक्सिस, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, मतलब ब्रेक करेंगे। तो देखो इसका कुछ पार्ट एक्स एक्सिस पे कितना आएगा, तो इसको हम मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, तो देखिए ध्यान से एक्स एक्सिस पे कितना होगा, और कुछ पोर्शन होगा किस पे भैया, वाई एक्सिस में, जिसको हम मान लेते भैया एफ ऑफ वाई। सुनिएगा भैया, कितना होगा एक्स एक्सिस पे और कितना होगा वाई एक्सिस, देखना ध्यान से, ये जो थीटा किसके अकॉर्डिंग लगा है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लगा है ना, ये थीटा जो है भैया किसके अकॉर्डिंग लगा हुआ है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, ये थीटा आप खुद देख रहे हैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। तो भैया थीटा आपको जहां पर भी लगा रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो थीटा जो है ये आपको जहां पर भी लगा रहेगा उसके साथ आता है कॉस थीटा। अगर मान लो ये ऐसे इंक्लाइंड पे, जब इसको एक्स एक्सिस पे देंगे और जब हम इसको वाई एक्सिस पे देंगे, तो थीटा अगर ये ऊपर के साथ थीटा लगा रहता है तो ऊपर वाले में कॉस आता, अगर ये नीचे में लगा है तो नीचे वाले में क्या आएगा, कॉस आएगा। कितना आएगा, तो देखो ये कितना है भैया, एफ है, और इसके साथ क्या आएगा, कॉस थीटा। मतलब एक्स एक्सिस के अराउंड कितना फोर्स लग रहा है भैया, तो एफ कॉस थीटा, कितना लग रहा है, एफ कॉस थीटा लग रहा है। अच्छा भैया वाई एक्सिस के अराउंड कितना फोर्स लग रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा, वाई एक्सिस के अराउंड जो फोर्स लगेगा ये आपका एफ ऑफ वाई है, इसके अराउंड फोर्स लगेगा एफ साइन थीटा। समझ में आया, कितना लग रहा है, एफ साइन थीटा। अच्छा एक और डायग्राम से समझते भैया, ध्यान से सुनना, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये कितना है भैया वाई एक्सिस, लेकिन अब जो आपको थीटा जो दिया है ये ऊपर वाला है, थीटा क्या दिया है, ये ऊपर वाला कंडीशन, समझ में। अब इसको रिजॉल्व करते हैं, तो भैया अगर आप x एक्सिस के अराउंड रिजॉल्व करोगे f ऑफ x, और ये y एक्सिस के अराउंड रिजॉल्व करोगे f ऑफ y। देखिए अब ऐसा नहीं कि हमेशा आपको x एक्सिस किसी के ऊपर क्या होगा, cos थीटा होगा, है ना, क्या y एक्सिस के ऊपर ही हमेशा क्या होगा, sin थीटा होगा। भैया अगर x एक्सिस है, देखो थीटा इसके साथ है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, f cos थीटा होगा, है ना, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, f sin थीटा, है ना। अगर इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो, तो आपका रिजल्टेंट कितना आएगा, एफ ही है, याद रखिए ये चीज, रिजल्टेंट कितना आएगा भैया, एफ। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक था भैया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, कि ये किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल एक और चीज भैया, मान ले कोई एक ऑब्जेक्ट है, सुन लो, अब आपको पता है, या ऐसा करते हैं इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है, देखिए सुन लो, मैं एक यहाँ पर बात करता हूँ भैया, कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपने पढ़ेंगे आगे चल के इस टाइप का प्रॉब्लम हम बताएंगे, जिसका मास भैया एम है, है ना, और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन, ये यहाँ से कहाँ तक पहुँच गया भैया, यहाँ तक पहुँच गया, मान लेते हैं ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन इस पे जो लगने वाला फोर्स जो है वो कुछ इस तरीके से, मैंने आपको एक बार और बताया भी, जैसे एग्जाम्पल में भी आपका ट्रॉली बैग होता है ना, तो आप फोर्स लगाते इधर लेकिन पहुंच जाता है आगे की तरफ, कैसे, तो इसमें भी आप क्या करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स काम करता है भैया, आपका फोर्स क्या होता है, दो पार्ट्स में बढ़ जाता है, कितने पार्ट में बढ़ेगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगा,
एक होगा इसके तरफ जो x एक्सिस के अराउंड काम करेगा, जो कितना मिलेगा f cos थीटा फोर्स लगेगा, और एक जो होगा भैया y एक्सिस के अराउंड काम करेगा, जो f ऑफ y कितना होगा f sin थीटा काम करेगा। समझ में आएगा? और इसका मास तो चेंज नहीं होगा एक जगह से दूसरी जाने एक जगह जाने में, नहीं ना भाई। तो इस तरीके से ये सब क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। या आप ये देखो, स्केलर क्वांटिटी को आप रिजोल्व नहीं कर सकते, स्केलर क्वांटिटी को आप रिजोल्व नहीं कर सकते, हमेशा किसको रिजोल्व करेंगे, वेक्टर को। इसीलिए मैंने आपको नाम क्या दिया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखो ये इसका छोटा सा एक पोर्शन हमें काम आता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया हूँ। अब चलते भैया अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। सुन लो भैया, मैग्नीट्यूड हमें जानना है ना। चाहे आप ट्रायंगल लॉस के हिसाब से सॉल्व करो या पैरेललोग्राम लॉस के हिसाब से सॉल्व, दोनों के लिए मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, बराबर, कोई दिक्कत नहीं उसको, है ना। तो किसी एक के अकॉर्डिंग से अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूं और फिर बात करूं तो सबसे भी सही होगा। अलग अलग करने से अच्छा है, दोनों तो एक ही आएगा ना। ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी एक के लिए भी निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इधर ए भैया पीछे इधर देख लो भैया, क्या दिया हुआ है, कंसीडर द टू वेक्टर। एक वेक्टर सुन ले इधर भैया, ये मान लेते हैं वेक्टर ए है और ये कितना दिया है, वेक्टर बी, है ना। दो वेक्टर है भैया कंसीडर कर रहे हैं, जो इंक्लाइंड है एट एंगल बी एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल्स एट द सेम टाइम, है ना। ये मान लेते हैं ये कितना इंक्लाइंड है भैया, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड, कितना एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा। तो इसके साथ आप ऐसा भी ले सकते हैं, इसको अगर आप एक्सटेंड करेंगे, मान लो इसको आप क्या कर रहे हैं भैया, एक्सटेंड कर रहे हैं। सुन लो, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये भी एंगल कितना होगा भैया, थीटा होगा। अरे हाँ, ये नहीं, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा ना। अगर ये एक्स के साथ थीटा बना रहे तो ये भी कितना बनाएगा, थीटा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत? चलो देखो, इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मान के चलो ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। अच्छा अब भैया इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, सुनिएगा भैया देखो, ए इससे हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये इस पॉइंट पे आके कटेगा, ये क्या होगा, इस पॉइंट पे आके कट जाएगा, करेगा ही नहीं करेगा। चलिए देखो जाते, अब हम बात करते हैं भैया यहाँ पर, सुन लो क्या बोल रहे हैं, लेट द रिप्रेजेंट इन द मैग्नीट्यूड ऑन द डायरेक्शन बाय द टू साइड्स, जो एक है ओ पी, मान के चल यहाँ पर ये ओ है, ये पी है और ये भैया आपका क्यू है, ठीक है। टू साइड्स ओ पी एंड पी क्यू ऑफ अ ट्रायंगल, कौन सा, ओ पी क्यू ट्रायंगल है, टेक इन द सेम साइड, और देन द अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हमें इसका क्या करना भैया, मैग्नीट्यूड निकालना। फिर से समझिएगा, ये देखो ध्यान से, अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, एक ट्रायंगल है जो ओ पी क्यू है, जहाँ पर ओ पी आपका वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी क्यू आपके वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया, पी को। अच्छा मान लेते हैं ये पॉइंट आपका कौन सा होगा, यहाँ पर आर मान लो, क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। देखो ध्यान से, क्या मैं अब बोल सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो भैया, तो ओ क्यू आर क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, ओ क्यू आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल को। और भैया राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, देखिए तो ओ क्यू जो होगा इसका स्क्वायर जो आएगा, मतलब ओ से क्यू क्या है, हाइपोटेनियस है ना, इसका जो स्क्वायर आएगा भैया किसके बराबर होगा, तो देखो ओ आर, ओ आर के स्क्वायर प्लस में कितना, क्यू आर के स्क्वायर, हाँ या नहीं, किसके बराबर होगा, ओ आर का स्क्वायर प्लस में क्यू आर के स्क्वायर। अच्छा अब ध्यान से समझिएगा, सुन लो भैया, अच्छा इसी को हम रिजल्टेंट बोलते हैं क्या, यही रिजल्टेंट होता है ना। तो देखियो ये ओ आर मतलब आर का स्क्वायर जो होगा, सुन लो ध्यान से, आर का स्क्वायर जो होगा, अच्छा ओ आर को देखो तो क्या लिख सकते भैया, ओ पी प्लस में पी आर लिख सकते हैं, देखो ओ पी प्लस में कितना हो जाएगा, पी आर का क्या होगा, होल स्क्वायर, और प्लस में कितना होगा, क्यू आर का स्क्वायर, हाँ या नहीं, बोल भैया यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है। फिर से सुनिएगा, देखो ये बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, एक ओ पी क्यू एक ट्रायंगल है जहाँ पर ओ पी आपका ए वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू पी आपके वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
अब ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया भैया, ओपी को एक्स मतलब एक्सटेंड किए, थोड़ा सा बढ़ा दिए, और यहां से क्यू से इस पे क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो हमें ओ क्यू आर एक क्या मिल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा था, तो उस पे हमने क्या अप्लाई कर दिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, पीटी थ्योरम अप्लाई किए। पीटी थ्योरम क्या होता है, तो देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर, भैया बेस बोल सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर, सही है। मतलब ओपी ओक्यू का स्क्वायर जो है ओ आर का स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ध्यान से समझिएगा भैया, यहां पर कितना है आर है आपका, सुन लो ये आपको हमने पहले से बताते आ रहे हैं, ये जो थर्ड साइड है रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो आर का स्क्वायर जो है, और ओ आर को देखो ओपी प्लस में कितना पी आर भी है और बराबर में कितना है क्यू आर है। सुन लो अब देखो, अभी भैया यहाँ पर हमें दो चीज की वैल्यू निकालनी है, सुन लो कितने वैल्यू निकालनी है, दो चीज कौन कौन सा, तो ना तो आपको क्यू आर की वैल्यू पता है और ना ही आपको पी आर की वैल्यू। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो पी क्यू जो है मतलब ये वेक्टर बी है, इसको हम रिजॉल्व करें, इसको रिजॉल्व करेंगे। तो देखो ये थीटा है ना भैया, इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, बी कॉस थीटा होगा, कितना होगा इसके अकॉर्डिंग, कितना आएगा बी कॉस थीटा, और देखो इसके अकॉर्डिंग कितना होगा बी साइन। समझ में आ रहा है कुछ, देखिए भैया एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसकी बात करेंगे तो इस पे जाएगा कितना आएगा बी कॉस थीटा, मतलब वेक्टर बी कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो जाएगा तो कितना आएगा वेक्टर बी साइन, है ना। मतलब इस तरीके सुन लो इधर, इसका मतलब हम बोल सकते हैं भैया पी आर जो है वो वेक्टर बी कॉस थीटा को बता रहा है, हाँ नहीं, ये जो पी आर जो है किसको बता रहा है, वेक्टर बी कॉस थीटा को बता रहा है, और देखो ये जो क्यू आर जो है, क्यू आर जो है वो किसको बता रहा है भैया, तो वेक्टर बी साइन थीटा को बता रहा है, सही है, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से इसको थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऊपर, सुन लो भैया देखो आर का स्क्वायर जो है, ध्यान तो देखना इधर, यहीं पे अब कुछ नहीं है, हो गया। ओपी को मैं क्या वेक्टर ए लिख सकता हूँ, अरे ओपी जो है उसको क्या मैं वेक्टर ए लिख सकता हूँ ना, ये कितना हो जाएगा वेक्टर ए प्लस, देखो पी आर को क्या लिख सकता हूँ भैया बी कॉस थीटा, मतलब वेक्टर बी कॉस कितना हो जाएगा थीटा, अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर चला दें, ठीक है। और देखो क्यू आर कितना है, तो प्लस में है, क्या मैं वेक्टर बी क्या है साइन थीटा का स्क्वायर चला सकता हूँ, अरे हाँ नहीं चला सकते ना भैया, बता रहा बताइए भैया, आप खड़े हाँ खड़े हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, खड़ा हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, हाँ। तो देखो ध्यान से R का स्क्वायर जो होगा इसमें A प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, आई नहीं, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर वेक्टर A है तो वेक्टर A का स्क्वायर A हो जाएगा, है ना, मतलब A का स्क्वायर प्लस में कितना होगा B का स्क्वायर, तो क्या हो रहा है देखो कितना होगा भैया B का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना होगा 2AB cos थीटा, आई नहीं, और प्लस में देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, हाँ यानी कर सकते हैं, कर सकते हैं भैया, यहाँ पर ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो उसमें हमने ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अप्लाई किए, और प्लस में कितना है टू ए बी कॉस थीटा, तो हमने ये अप्लाई किया, और यहाँ पर बी साइन थीटा को क्या लिख दिया हमने बी साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान से सुनना, देखो इधर इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा बी स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर बराबर, देखो ध्यान से ए का स्क्वायर रहने दो, रहने दे सकते हैं भैया ए का स्क्वायर रहने दो प्लस में, अगर आप बोल रहे हैं कि बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो देखिए इधर कितना आएगा भैया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और प्लस में कितना होगा टू ए बी कॉस थीटा, हाँ नहीं, अच्छा बताओ भैया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, किसके बराबर, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, दो के बराबर, एक के बराबर होता है ना, इसको क्या लिख सकते हैं वन लिख सकते हैं, तो आर का स्क्वायर जो होगा भैया वो क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में कितना मिलेगा टू ए बी कॉस
कॉस थीटा, इसका मतलब आर बराबर जो होगा वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में कितना होगा, टू ए बी कॉस थीटा। यही है भैया दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड, है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना हो जाएगा, वेक्टर ए मतलब रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में टू ए बी कॉस। क्लियर यहां तक में? अब यहां से देखो ध्यान से भैया, कुछ केसेस के बारे में बात करते हैं, कुछ कंडीशन के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा पहले यहां तक कर दो, कीजिए कल भी देख सकते हैं।